इतना कुछ होने के बाद भी तुम अब भी यहीं पड़ी हो। इन्हीं लोगों के साथ कैसे कर लेती हो? बेशर्म तो हम दोनों ही हुए ना जीजू। आपको भी तो आपकी सासू मॉम ने इसी हॉल में खड़े होकर इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था। आप भी यहाँ वापस आकर? हाँ, मैं तो वापस आ गया। वो क्या है ना कि सासू मॉम मेरी माँ है। गुस्से में उन्होंने मुझे 4 नहीं 1000 बातें बोली और हर बार लौट के आया हूँ। इसलिए नहीं कि मैं बेशर्म हूँ, इसलिए क्योंकि मैं अपनी सासू मॉम से माँ की तरह प्यार करता हूँ। हक है उनका, कभी भी कुछ भी बोल सकती हैं, गुस्से में आकर मुझे घर के बाहर भी निकाल सकती हैं। लेकिन मैं तो फिर भी वापस आऊंगा, क्योंकि एक बेटा होने के नाते ये मेरा हक है। और एक बात बताऊं साली साहिबा, जो इंसान अपने बड़ों की लाख गालियां सुनने के बाद भी जब उनको जरूरत हो उनके पास खड़ा रहता है ना, उसे एक अच्छी औलाद कहते हैं। लेकिन जिस इंसान को हराम की खाने की आदत पड़ जाए उसे हराम खोर कहते हैं। खाओ खाओ। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Z5 पर। अभी Z5 ऐप डाउनलोड करें। ये कैसे लड़ रहे हो तुम दोनों? और मैंने सब कुछ सुन लिया। क्या सुन लिया? वो जो कुछ भी तुम लोग बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? वो क्या है ना कि हम शादीशुदा हैं, तो प्राइवेसी समझते हो, उसकी जरूरत पड़ती है कभी कभी। अगली बार आओ तो नॉक करके आ जाना। Good night. चलो ना रोशनी, इतने दिन हो गए, कितना मिस किया है मैंने तुमको। सिद्धार्थ आराम से, मैंने भी कितना मिस किया। सिद्धार्थ, अरे क्या कर रही हो रोशनी? अरे कुछ तो शर्म करो रोशनी। सिद्धार्थ अपने छपरी सॉन्ग्स बंद करो, बाहर आ जाओ, मुझे भी जाना। चैन से बैठिए ना। अरे बहुत मजा आ रहा है भैया हमको। आ रहे हैं, एक मिनट दीजिए, बता रहे हैं। अरे वाह भैया, चौकस मजा आ गया, एकदम भौकाल। अरे यार क्या चीज बनाई है अंग्रेज लोगों ने, सावर एकदम। ये ऐसा लगा जैसे कि जन्नत मिल गई हमको। तुम ऐसे क्यों बाहर आयो? ऐसा नहीं तो कैसे आते, नंगे थोड़ी चले आते बाहर। कपड़े पहन लोगे? अरे जा रहे, हड़का कह रही है। जाओ ना, जाके कपड़े पहनो। पहन रहे हैं।
कि सिद्धार्थ की कब्र है तुम्हें कैसे पता लगा? इस रूम के बारे में मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। कौन हो तुम लोग? ये बगलवा में टेबल है, उस पर 14 नावल है, 5 मैगजीन है, जिसमें से 3 इंटीरियर की है और 2 बिजनेस की है। ये जो बिस्तरवा है, इसके नीचे जो बक्सा है उसमें 14 फ्रॉक है आयशा की और 2 यूनिफॉर्म है स्कूल की। ये जो अलमारी है उसमें सारे आपके कपड़े रखे हुए हैं और ये सिद्धार्थ की अलमारी है। तुमने मेरा कबर्ड चेक किया? हाँ। कहाँ हो गया था? अब भी आप यही सोच रही है कि हमको पता कैसे है? देखिए, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हम रघु ही हैं, हम सिद्धार्थ नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। आपके दिमाग में शक ही शक भरा हुआ है और याददाश्त आपकी एकदम ही कमजोर है। क्या हुआ? अभी भी शक भरी नजर से कहाँ देख रहे हैं आप हमको? अरे भैया, इस कमरे की जानकारी लेने में कोई अंतरिक्ष विज्ञान थोड़ी है। आपसे 1 घंटा पहले उठे, सब कुछ देख लिया, बूझ लिया, समझ लिया। अरे भाई, कोई कैरेक्टर अगर उठाओ तो बढ़िया से प्ले करो, यही तो एक्टर का धर्म होता है कि नहीं? आप भी ना बहुत शरारती हैं। आपको हर वक्त ऐसा लगता है जैसे हम आपको टच करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हर वक्त आपको टच करने का मन नहीं करता। मैं कभी कभी हम जीत जाएंगे, आप आजाद हो गए हैं मॉम। आजादी मुबारक हो सासू मॉम। वैसे एक बात बोले, सही बोले तो अगर आप आज चैन की सांस ले रही हैं तो वो केवल हमारी वजह से है। शुक्रिया करना चाहिए आपको हमारा, आप दोनों को। बोलिए थैंक यू। अच्छा चलिए, मत बोलिए, कम से कम आशीर्वाद तो दे दीजिए। आशीर्वाद दीजिए कि जिस तरीके से सिद्धार्थ आपका घर संभाले रखता था, हम भी रखेंगे। सारी हरकतें सिद्धार्थ जैसी हैं। पर ये सिद्धार्थ नहीं है मैम। इसकी आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि इसे नौटंकी करने की आदत। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें।